पानीपत के पट्टी कल्याणा में स्थित आरएसएस के सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र में रविवार सुबह अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का शुभारंभ हुआ। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर सभा का शुभारंभ किया। इस सभा में 34 संगठनों के 1474 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन वरिष्ठ पदाधिकारी मनमोहन वैद्य ने रोजाना लगने वाली शाखाओं कहां कितनी लग रही इसका ब्यौरा लिया। उन्होंने कहा कि संघ 2025 में अपने 100 साल पूरे कर रहा है, ये मौका हम सब के लिए खास होगा। संघ के शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग चार पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलते ऐसे कितने स्थान हैं, ये स्थानों में वृद्धि हो यह प्रयास होता है। एक स्थान पर 3, 4, 5, 10, 12 शाखाएं भी हो सकती है, ऐसी शाखाएं कितनी हैं। जहाँ पर शाखा शुरू होने के लिए अभी तैयारी नहीं है, वहाँ सप्ताह में एक बार शाखा के माध्यम से लोग एकत्र आते हैं। गौरतलब है कि अभी 71,355 स्थानों पर कार्य किए जा रहे हैं। संघ का उद्देश्य है सब अपने हैं, मुझे कुछ देना है, इस भाव से स्वयं सेवक कार्य कर रहे हैं। इसलिए अगले एक साल में 1,00,000 स्थानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। सब मेरे अपने हैं और मुझे समाज के लिए कुछ देना है, इसकी अनुभूति या संस्कार शाखा के माध्यम से होता है और बौद्धिक स्तर पर इसको जानने के बाद भी इसका नियमित अभ्यास भी आवश्यक है, इसलिए दैनंदिन शाखा में जाने का एक आग्रह होता है। सभा में बताया गया कि कोरोना काल में 5.5 लाख स्वयं सेवकों ने लोगों की मदद की, खाना दवाई अस्पताल तक ले जाना और सूचना देने जैसे कार्य किए गए। पैंडेमिक कारण सारा काम करीब ठप हो गया था, उसके बाद फिर से उसको ट्रैक पर लाने में हमारे कार्यकर्ता सफल हुए हैं। पैंडेमिक में 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने लोगों की सेवाएं की है और ये जानलेवा खतरा होने के बावजूद स्वयंसेवक बाहर निकले हैं और उसके बाद स्वयंसेवकों ने प्रयत्न करते हुए आज जो वृद्धि हुई है तो स्थानों में करीब 3,700 ज्यादा वृद्धि हुई है। सोमवार को सभा का दूसरा दिन है। 14 मार्च को तीसरे दिन सर संघचालक मोहन भागवत दोपहर को मीडिया से मुखातिब होंगे। यानी इन 3 दिनों में सभा में आरएसएस के पिछले साल हुए कार्यों और सेवा की समीक्षा होगी और आगे क्या करना है इस पर चर्चा कर फैसले लिए जाएंगे। गौरतलब है कि पानीपत के समालखा में आरएसएस का सेवा साधना और ग्राम विकास केंद्र परिसर कई दिनों से बड़ी हस्तियों का केंद्र बना हुआ है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।